because actually जब ये रोल आया था मेरे पास, so I was very excited कि इतना चैलेंजिंग रोल मिला, and then जब खुशांत सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया था, खुशांत सर किरण मैम ने, we had actually shot 2 days for the film before, but जब कोविड का लॉकडाउन हो गया था, then we had to push it. तो मुझे अभी भी याद है, it's a very funny story. When खुशांत सर called me to the office, मुझे लगा था कि सर बोल रहे हैं कि मुझे बुला रहे कि तुम अभी इस फिल्म में नहीं रहोगे, क्योंकि मेरे साथ वो बहुत बार हो चुका है, like I have actually signed films and in the end of the day उसको बोलते कि तुम उसमें हो नहीं, but I was like, I told mom, देखियो देखो mom, I think he's calling me because of that, but then when he called me in the office उन्होंने बोला हम तुम्हारा लुक पूरा चेंज करना चाहते हैं, because जो कैरेक्टर लिखा है सर ने, your जो उन्होंने शूट किया था, it wasn't matching the character, because जैसे डिंपल का कैरेक्टर है, नवासा का कैरेक्टर है, it has to be completely opposite of them. तो उन्होंने actually बैठ के मेरा पूरा लुक बदला, and as you see in the film, that is what the character is. And then फिर जब from the body language to the way he talks, the way he sits, सब कुछ में I think sir, ma'am ने मुझे help किया. And that is the reason I was so, you know, so excited about this character. Because one side you have Nawaz, one side you have Neha. And then उसके बीच में he's not a kebab में हड्डी, he's the entire kebab character. तो वो challenge था, but it was, you know, very very fun. You know, जब आप देखोगे 12 तारीख को, I think you want to relate. Hi Nawaz, Ravi from YouTube. Nawaz, आपका संघर्ष, आपका struggle है बहुत ही लंबा चला. भीड़ में एक-एक भीड़ में खड़े होकर कोई रोल निभाने से लेकर एक-एक सीन वाले रोल निभाना और फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना और फिर मेन लीड में आना. मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जब आप इतने फेमस हो गए और जब आपको बड़े-बड़े किरदार मिलने लगे, तो आपका अप्रोच एक्टिंग के प्रति कितना बदला है, क्योंकि पहले तरसना पड़ता था एक एक अच्छे किरदार के लिए और बाद में बहुत सारे ऑफर्स आने लगे, तो कितना अप्रोच बदला है एक्टिंग के प्रति, रोल्स एक्सेप्ट करने के प्रति, और अब तक का जो करियर रहा है, सबसे बड़ी सीख क्या आपने हासिल की? क्या क्या लास्ट में क्या था? सीख क्या हासिल की? सीख क्या हासिल की? सीख एवरी डे आपको सीख ही मिलती है, हर रोज नया एक्सपीरियंस होता है, नए लोग होते हैं, और आपकी जो क्राफ्ट में इजाफा ही होता है, आपके थॉट में इजाफा होता है, मतलब आप प्रोग्रेस करते हैं. और अगर अब मैं अगर 20 साल पहले की बात करूं, तो 20 साल पहले वाली तो एक्टिंग मैं अब नहीं कर सकता हूं, क्योंकि 20 साल का एक्सपीरियंस लेके भी साथ में चल रहा हूं. तो यही है, सीख यही है कि हर रोज़ बदलते रहना ज़रूरी है. आपके थॉट बदलते हैं, आप बदलते हैं, आपकी हर चीज़ बदलती है, तो एक्टिंग भी बदलती है आपकी. जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है, वैसे एक्टिंग भी बदलती है आपकी. मैं शायद पहले मेरी अप्रोच कुछ और थी, आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले एक्टिंग को लेके आज कुछ और हो गई, और मे भी आने वाले वक्त में कुछ और होगी. हर बार बदलता रहूँगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं. एक स्टिक होके या एक तरह के किरदार, मैं अगर कोई मुझे बोले कि तुझे मैं सुपर स्टार बना दूंगा, लेकिन एक ही तरह का रोल करना पड़ेगा, मैं अपने गोली मार दूंगा, सिल्वर बना दूंगा, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाऊंगा और छोड़ दूंगा, किसी दूसरे फील्ड में चला जाऊंगा. एक तरीके से मैं करता रहूँ, मैं सुपर स्टार है कुछ भी करूँ, लेकिन मैं एक तरीके से तो नहीं कर पाऊंगा. मैं जितनी भी कोशिश करूंगा, हर बार नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो फिल्म 1 रुपए में हो, चाहे 2 करोड़ की फिल्म हो, चाहे 10 करोड़ की, चाहे 12-15 करोड़, कितने भी हो, चाहे मुझे फीस मिले ना मिले, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, तब तक मैं जिंदा हूँ. वरना क्या है, तो जिंदा रहते हुए आदमी मर जाता है, वो सब मैं नहीं करना चाहता. तो ये अप्रोच मेरी इस तरह की आती जा रही है. अभी मैं एक फिल्म करके आया हूँ फ्रैंकफर्ट में, आप यकीन कर सकते हो उसमें 10 लोगों की यूनिट थी, सिर्फ 10 लोग थे उसमें, और इतना डीप काम, बहुत बड़ी फिल्म नहीं पर लेकिन बहुत डीप फिल्म है. तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट, और एट द सेम टाइम मैं एक फिल्म कर रहा हूँ साउथ की, सैंदा हो, जो बहुत ही करोड़ों करोड़ों की फिल्म है. तो ये एडजस्टमेंट आपकी बॉडी में, आपके थॉट में होना बहुत जरूरी है, तभी आप एक्टर बनने की कोशिश कर सकते हैं. अदरवाइज तो फिर तो भाई इमेजेस हैं, किसी पे कुछ लगा हुआ है नाम के साथ, स्टार के साथ, कोई मेगा है, कोई ये है और कोई वो है. लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कोशिश करता रहूँ, हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहूँ. शुक्रिया, थैंक यू. आपने बोला कि कैसे हैं आप? बढ़िया. मैं कैसा दिख रहा? और भाई मेरा ऐसा मानना है कि जब इतनी खूबसूरत लड़की ऐसे आपके पीछे पड़ जाए कि शादी कर लो कर लो कर लो, तो उन्हें अपनी ऐसी बीमारियों के बारे में नहीं गिना
आना चाहिए, आप भी मानते हैं बात? नेहा जी देखिए स्माइल कर, जब शादी नहीं करनी होती तो बहुत सारी चीजों के बारे में गिनाया जाता है कि मैं ये भी लेता हूँ वो भी लेता हूँ। और शोले का एक सीन है ना बहुत अच्छा कि मेरा दोस्त तो इतना टाइप में, तो यहाँ खुद ही बोल रहा हूँ भाई इतना खराब हूँ, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती, लेकिन तब भी पीछे पड़ेगी है उस फिल्म में, ऐसा दिखाया गया है फिल्म में। अच्छा फिर क्या करेंगे आप जब ये पिक्चर? मुझे शादी ये टॉर्चर है ऐसा फिल्म में दिखाया गया है तो उससे बचने के लिए क्या क्या जुगाड़ कर सकते हैं, तो उसी को करें फिर। तो फोटो दे देता, फोटो और रिज्यूम देते था, तो रिज्यूम तो मैंने दे दिया, हाथ से लिखा हुआ था कि मैं एक्टर हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, ये मेरी एज है, ये मैं फोटो, जब फोटो लेने की बारी आई तो फोटो मतलब फोटो दिखाओ, तो फोटो एक पड़ा हुआ था मेरी जेब के पीछे मुड़ा हुआ, तो मैंने उसको ऐसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा वापस फोल्ड हो जाता, फिर फोटो फोल्ड हो जाता, ऐसा हो रहा था, तो कैसे कैसे खोल के दिया, उसने देखा मेरा फोटो, जिस आदमी का फोटो भी नहीं है उसको कैसे क्या कर लेंगे उसका, इस तरह का हुआ था एक बार मेरे साथ, तो वो भी जुगाड़ फेल हो गया था, मतलब इस तरह के जुगाड़ किए रोल पाने के लिए, बट ऑलमोस्ट सारे फेल हुए। नेहा जी आपका कोई जुगाड़, आपने कोई ऐसा जुगाड़ किया हो? ऑडिशनिंग की जहाँ तक बात है, हर फिल्म के लिए जुगाड़ करती हूँ, बट आई मीन ऑडिशन करती हूँ, बट सम आर गुड सम आर बैड, आई फील लाइक गॉड्स गॉट अ बेटर प्लान, तो मुझे लगता है कि जो फिल्म आपके नसीब में होती है वो आपको मिल जाती है और जो आपके नसीब में नहीं होता वो आपको नहीं मिलता। नवाज भाई आपने बताया कि इस बार चॉकलेटी बॉय का किरदार आपको मिला है, चॉकलेटी बॉय आपने बताया, तो बताइए कितना खेलने का मौका मिला इस किरदार के साथ में आपको? नेहा जी हैं आप हैं, खेलने का अफकोर्स बहुत मौका मिला क्योंकि डायलॉग्स पे ऐसे थे बहुत सारी इम्प्रोवाइज भी हुई चीज, और क्योंकि एक्टर्स इसमें अमेजिंग एक्टर्स हैं सारे, चाहे वो संजय भाई हों और मेरे थे, चाहे वो घनश्याम हों, और इतने सारे एक्टर्स हैं मेरे आसपास के दोस्त ही हैं सारे, तो उनके साथ एक होता है कि एक लक्ष्मीमो है या नेहा है, इनके साथ ऐसा होता है एक सिक्योरिटी, एक सिक्योर सा लगता है माहौल कि मेरे से अगर कुछ ऐसा हो गया तो उसको संभाल लेगा वो। कॉमेडी में ऐसे ही होता है कि बहुत सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियसली भी निकलती हैं, है ना, तो वो मज़ा तो आया, फन फिल्म थी। और दूसरी बात ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं इंटेंस कैरेक्टर करता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में थिएटर के दौरान आई थिंक 150-200 प्लेस जो किए मैंने वो सारे कॉमेडी ही थे, मैं राजपाल विजय राज हम लोग वो ग्रुप था थिएटर के दौरान, हम सिर्फ कॉमेडीज ही करते थे, पर जब मैं यहाँ आया उसको कॉमेडी मिलने लगी, मुझे इंटेंस मेरा चेहरा देख के मुझे इंटेंस कैरेक्टर मिला, अदरवाइज कॉमेडी में एक्सपर्ट थे हम लोग उस वक्त पे थिएटर के दौरान। थैंक यू जी। हेलो नमस्ते, हाय दिस इज आस्था फ्रॉम ऑसिफ टीवी। आप अपने वर्सेटाइल किरदार के लिए जाने जाते हैं, भले फिर वो चांद नवाब बजरंगी भाईजान से क्यों ना हो, आइकॉनिक कहा जाता है वो सीन, एंड ये जो फिल्म है इसके कैरेक्टर के लिए क्या क्या प्रिपरेशंस किए आपने? सच बताऊं उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि इस तरह का रोल था ये कि इसकी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं थी, सेट पे जाके जो डायरेक्टर ने बताया, क्योंकि एक तो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी हुई है और दूसरे जो डायरेक्टर हैं वो एक्टर्स हैं उनके साथ ऑन द स्पॉट क्या केमिस्ट्री बैठती है, रिहर्सल में क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बजाय इसके कि घर पे मैं बैठ के कुछ दूसरे कैरेक्टर होते जिनके लिए प्रिपरेशन की जाती है, जैसे मंटो है या ठाकरे की मैंने उसके लिए प्रिपरेशन की जाती है, बट इस तरह के रोल के लिए प्रिपरेशन नहीं, वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड होना ज़रूरी है, कॉमन सेंस होना ज़रूरी है, आपका डायरेक्टर आपकी राइटिंग को एक्टर्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं। हाय in the middle, this is Shravanti from Ananda Bazar Patrika. Lovely trailer, we loved it, congratulations. My question is to Kushan and Galip ji both. I guess this is your third association with each other, Hamdam, Babu Moshai, and now this.
would like to know first from Galip ji, how was the association with Kushan? और क्रिएटिव डिफरेंसेस जब होते थे दोनों दोस्तों के बीच, आई एम श्योर आप लोग रियल लाइफ में अच्छे दोस्त भी हैं, मारते हैं एक दूसरे, हां तो वो थोड़ा बताएं दोनों ही। थैंक यू। क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं होते हैं, हमारे झगड़े होते हैं, हम लोग किसी बात पे अड़ जाते हैं, फिर लेकिन अल्टीमेटली जिससे हम जिस नतीजे पे पहुंचते हैं वो बहुत अच्छा होता है, ये हमारा ऐसा मानना है, तो हम लोग इसीलिए कभी कभी हिचकते नहीं है हम लोग अपने डिफरेंसेस के लिए, लेकिन अच्छी बात यह कि हम लोग एक दूसरे को समझते हैं।